वेलकम बैक माय डियर माई विद अनदर चैप्टर ऑफ आर साइंस बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज द नेम ऑफ आवर बुक इज साइंस क्लास आज हम अपना चैप्टर नंबर सिक्स पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नाम है मी एंड माय बॉडी मैं और मेरा शरीर तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं इन दिस चैप्टर यू विल लर्न आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ आर बॉडी एंड देयर यूजेस आईज नोज ईयरस हैंड्स फिंगर्स ये सब क्या हैं ये सब हैं हमारे बॉडी पार्ट्स आज हम इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूजेस के बारे में वी विल लर्न अबाउट सेंस ऑर्गन्स हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे ग्रोइंग अप तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिफोर वी बिगिन वी हैव टू डू वार्म अप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक वार्म एक्सरसाइज करेंगे राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट यूजिंग द क्ल्यू गिविन बिलो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है और कुछ बॉडी पार्ट दिए हुए हैं आपको इन बॉडी पार्ट्स को देखना है और लिखना है कि कौन सा बॉडी पार्ट कौन सा है देखिए सबसे पहले ये क्या है ये क्या है हमारी आई तो यहाँ पे कई आई है यस yes. तो हम क्या लिखेंगे इसके सामने ई वाई आई नेक्स्ट ये क्या है ये है हमारे हेयर एच ए आई आर हेयर तो हम लिखेंगे एच ए आई आर हेयर उसके बाद क्या है हमारा हेड ये क्या होता है हेड तो एच ई ए डी हेड एच ई ए डी हैड तो इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे पार्ट्स ऑफ आर बॉडी एंड देयर यूजेस अब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूजेस के बारे में बच्चों हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं हम खाना खाते हैं खेलते हैं कूदते हैं चलते हैं चीज़ों को देखते हैं सुनते हैं ये किससे करते हैं ये सब चीजें हम अपने बॉडी पार्ट से करते हैं हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग काम करता है ऑल द पार्ट्स ऑफ आर बॉडी वर्क टूगेदर टू हेल्दी हमारे सारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं एक साथ काम करते हैं जिससे हम हेल्दी और जीवित रहते हैं वी डू मैनी थिंग्स यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी हम बहुत सी चीज़ें करते हैं अपने बॉडी पार्ट को यूज करके वी ईट फूड थ्रो आर माउथ हम अपने मुंह से खाना खाते हैं वी वॉक विद आर लेग्स हम अपनी लेग्स की सहायता से चलते हैं वी राइट विद आर हैंड्स हम अपने हाथों से लिखते हैं देखिए मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ना किस से लिख रही हूँ अपने हैंड्स से हैंड्स हमारी मदद कर रहे हैं लिखने में मूव our हेड विद द हेल्प ऑफ नेक हम अपने हेड को मूव करते हैं इधर और उधर किसकी हेल्प से अपनी नेक की गर्दन की हेल्प से वी sometimes कैरी लोड ऑन our शोल्डर आप सब बच्चे स्कूल आते हैं क्या लेके आते हैं अपना स्कूल बैग वो कहाँ कैरी करते हैं अपने शोल्डर्स पे हम अपने शोल्डर्स पे चीजों को कैरी करते हैं भार को कैरी करते हैं पिक things विद आर हैंड हम अपने हाथों से चीजों को उठाते हैं आपकी मम्मा कहती ना बेटा जाइए फ्रिज से पानी की बॉटल ले आइए तो बॉटल आप किससे पिक करते हैं किससे उठाते हैं अपने हाथों से नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल फिल द ब्लैंक्स आर डैश हैज डिफरेंट पार्ट्स टू डू डैश थिंग्स ईच डे हमारे किसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो क्या करती हैं रोज डैश चीजें मतलब अलग-अलग चीजें आट बॉडी हमारी बॉडी के होते हैं डिफरेंट पार्ट्स और डेली वो क्या करती हैं डिफरेंट थिंग्स अलग-अलग चीजें करते हैं अलग-अलग पार्ट्स वी पिक थिंग्स विद आर डैश एंड वॉक विद आर डैश हम किससे चीजों को उठाते हैं वी पिक थिंग्स विद आर किससे चलते हैं अपनी लेग से एल ई जी एस लेग से Now टाइम टू रीड अबाउट सेंस ऑर्गन्स अब हम अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं बॉडी के वो पार्ट जिनकी हेल्प से हम दुनिया को जानते हैं सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस बॉडी के कुछ पार्ट मदद करते हैं हमारी किसमें अपने आसपास की दुनिया को जानने में आइज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन आर कॉल्ड फाइव ऑर्गेन्स बच्चों हमारे फाइव सेंस ऑर्गेन्स होते हैं आइज नोज ईयर टंग और स्किन तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं स्किन हेल्प अस टू फील एंड टच आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज ठंडी है गर्म है सॉफ्ट है या हार्ड है वो हमें पता चलती है हमारी स्किन की हेल्प से टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड टॉक जो हम खाना खा रहे हैं वो खाने में कैसा है स्वादिष्ट है मीठा है खट्टा है कड़वा वो किससे पता चलता है वो हमें पता चलता है हमारी टंग से और हमारी टंग किसमें हेल्प करती है बोलने में टॉक मतलब बात करने में बोलने में आइज अस टू सी आपको टीवी पे कार्टून देखना है अपनी फेवरेट मूवी देखना है तो उसमें कौन हेल्प करता है आपकी आईज हेल्प अस टू हेयर आपको गाने सुनने हैं तो गाने सुनने में हमारी मदद करते हैं हमारे ईयर्स कान नोज स टू स्मेल एंड ब्रीथ हम ब्रीथ करते हैं सांस लेते हैं और खुशबू सूंघते हैं किससे विद द हेल्प ऑफ आर नोज नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल विच सेंस ऑर्गेन्स हेल्प अस टू सेंस द फॉलोइंग अब आपको बताना है कि ये जो चीजें दी हुई हैं इनको करने में हमारा कौन सा सेंस ऑर्गेन्स हमारी हेल्प करता है डोर बेल कार ऑन रोड मेडिसिन गारबेज और हॉट वाटर अगर पानी गर्म है तो किससे पता चलेगा आपको आप अपना हैंड उसमें डालेंगे आपको फील होगा तो चीज़ें फील होती हैं हमारी स्किन से एस के आई एन स्किन गारबेज गंदगी है स्मेल आ रही है बहुत गंदी किससे पता चल रहा है आपकी नोज से मेडिसिन है मेडिसिन का टेस्ट कैसा होता है बहुत कड़वा होता है बहुत गंदी होती है दवाई तो किससे पता चल रहा है उसका टेस्ट टंग से टी ओ एन जी यू ई टंग कार ऑन रोड सड़क पे गाड़ी चल रही है आप देख रहे हैं किससे देख रहे हैं अपनी आई से आपके घर में कोई आया डोर बेल बजाई तो डोर बेल की आवाज़ आई ना आपको तो किस से सुनी आपने अपने

जिससे हम अपने आप को सेफ सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करते हैं और बैड टच से हम अनकंफर्टेबल रहते हैं हमें चिड़चिड़ापन लगता है और हम अच्छा फील नहीं करते देखिए अंकल ने एक छोटी सी गुड़िया के सर पे हाथ रखा तो वो क्या है सेफ टच है अब अंकल गुड़िया के पास बैठे उन्होंने उसको पकड़ा लेकिन उस गुड़िया को अच्छा नहीं लगा तो ये गुड टच है और ये बैड टच है ग्रोइंग हम सब बढ़ते हैं जब आप बॉर्न हुए थे जब आप पैदा हुए थे तो आप बहुत छोटे थे फिर आप बड़े हुए फिर और बड़े होंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे ओल्ड हो जाएंगे बूढ़े हो जाएंगे तो ये सब क्या है ये एक प्रक्रिया है हम पहले छोटे होते हैं फिर बड़े और फिर और बड़े लुक एट दिक्चर गिव इन अलोंग साइड तो देखिए एक पिक्चर दी हुई है इसको देखिए इट इज पिक्चर ऑफ रोनी की फैमिली की की रोनी फादर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर कॉल्ड रोनी के, के मम्मी पापा दादा दादी क्या कहलाते हैं एडल्ट्स कहलाते हैं एडल्ट आर ग्रोन अप पीपल एडल्ट वो होते हैं जो बढ़ते हुए लोग होते हैं बड़े लोग जो होते हैं चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम एडल्ट बच्चे बढ़ते हैं और क्या बनते हैं एडल्ट बनते हैं यू आर ग्रोइंग अप टू आप भी बढ़ रहे हैं पहले आप नर्सरी क्लास में थे ये फिर एल के जी में यू के जी में और अब आप, आप आ गए क्लास वन में सो so, द क्लॉथ्स डेट यू यूज टू वीअर वेन यू वर अ बेबी वुड नॉट फिट यू एनी मोर जब आप छोटे थे जो कपड़े आप पहनते थे क्या वो कपड़े आपको अब आएंगे नहीं आएंगे क्योंकि वो आपको क्या हो गए छोटे अगर आपकी ममा आपकी टी शर्ट या फ्रॉक पहने क्या वो पहन पाएंगी नहीं वो उनको क्या होगी छोटी होगी डू यू नो क्या आप जानते हैं फिंगर ने ग्रो नियरली फोर टाइम्स फास्टर देन टो ने उंगलियों के नाखून पैर की नाखून के मात्रा चार गुना ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं हाथों के नाखून जल्दी बढ़ते हैं और पैर के नाखून टोटेल तो मतलब पैर के नाखून धीरे धीरे बढ़ते हैं नाव वी विल गो इन फ्लैश बैक चलिए फ्लैश बैक में जाते हैं ऑल द पार्ट्स ऑफ आर बॉडी वर्क टूगेदर टू कीप अस अलाइव एंड हेल्दी हमारे बॉडी के सारे पार्ट एक साथ काम करते हैं जिससे हम हेल्दी और जीवित रहते हैं वी डू मैनी थिंग्स यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी हम बहुत सी चीजें करते हैं अलग अलग किसको यूज करके अपने बॉडी पार्ट्स को वी हैव फाइव सेंस ऑर्गेंस हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गन्स हमें आसपास जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में बताते हैं चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम अपू बच्चे बढ़ते हैं और क्या बनते हैं बनते हैं नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज तो चलिए सबसे पहली एक्सरसाइज है टेक द करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन पे टिक करना आई स्टैंड ऑन माई मैं खड़ा होता हूं किस पे देखिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की पिक्चर है तो खड़े होने में हमारी मदद करती है हमारी लेग्स मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट सेकेंड आई स्मेल विद माई मैं चीजों को सूंघता हूँ किससे बताइए कौन सा बॉडी पार्ट स्किन ईयर हैंड और नोज द करेक्ट ऑप्शन इज नोज आई हियर विद माई मैं सुनता हूं किससे विद द हेल्प ऑफ ईयर कानों से राइट विद आर मैं लिखता हूं किस से विद द हेल्प ऑफ हैंड्स नाउ एक्सरसाइज बी चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सही आंसर को चूज करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है चलिए करते हैं आई कैन डैश विद माई ईयर्स मैं अपने ईयर्स से करता हूं सी हियर तो करेक्ट वर्ड है हेयर तो आप ब्लैंक में क्या लिखेंगे एच ई ए आर हेयर सेकेंड आई है टॉक और टीथ हमारे मुंह के अंदर होते हैं टीथ तो आप ब्लैंक में क्या लिखेंगे टी डबल ई टी एच टीथ नेक्स्ट आई हैव डैश लिप्स मेरे डैश लिप्स हैं कैसे टू और थ्री वी अपर लिप्स एंड लोअर लिप तो आप ब्लैंक में लिखेंगे टी डब्ल्यू ओ टू नंबर फोर फाइव एंड सिक्स यू विल डू बाय योरसेल्फ नेक्स्ट एक्सरसाइज मैच द फॉलोइंग पे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं और उनके यूजेस हैं तो चलिए उनको मैच करते हैं सबसे पहला बॉडी पार्ट है लेग लेग्स किस लिए काम आती है राइट टेस्ट बाइट सी फील और वॉक विद द हेल्प ऑफ लेग वी वॉक तो हम लेग्स को मिलाएंगे वॉक से आईज आइज से क्या करते हैं आइज अस टू सी तो आइज को हम मिलाएंगे ऑप्शन डी से नेक्स्ट पिक्चर कौन से बॉडी पार्ट की है नेक्स्ट पिक्चर है ईयर्स की ईयर्स अस टू हेयर्स सुनने में मदद करते हैं नेक्स्ट टीथ टीथ से हम क्या करते हैं टीथ से हम बाइट मतलब काटते हैं खाना चबाते हैं बी आई टी ई बाइट नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर है हैंड की हैंड हेल्प अस टू राइट तो फिफ्थ वाले को हम मैच करेंगे राइट right से डब्ल्यू आर आई टी ई फिफ्थ वाले को हमने मैच किया राइट right से डब्ल्यू आर आई टी ई राइट नेक्स्ट पिक्चर है टंग अस टू टेस्ट तो हम को करेंगे टी एस रहा होगा है नहीं ये पिक्चर है स्किन की स्किन तो हम स्किन को मैच करेंगे एफ डबल फील से नाउ एक्सरसाइज डी आंसर द क्वेश्चन आप कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं चलिए जल्दी से आपको एक बार क्वेश्चन समझाती हूँ क्वेश्चन नंबर वन वर्क डू यू डू विद योर माउथ आपको ये बताना है आप अपने माउथ से क्या काम करते हैं हम अपने माउथ से खाना खाते हैं बात करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं हाउ डू यू कीप योर नेल्स क्लीन आप अपने नाखूनों को कैसे क्लीन रखेंगे हम अपने नाखूनों को वीक में टू टाइम्स कट करेंगे और उनको क्लीन रखेंगे नेक्स्ट वट डू यू डू विद योर टंग आप अपनी टंग से क्या करते हैं टंग हेल्प अस टू टेस्ट वट इज स्किन हाउ इज इट यूजफुल टू अस स्किन क्या है और वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है हाउ डू योर सेंस ऑर्गेंस हेल्प यू आपके सेंस ऑर्गेंस आपकी कैसे मदद करते हैं सो माय डियर स्टूडेंट वंस अगेन यू विल रीड योर चैप्टर केयरफुली आप एक बार फिर से अपना चैप्टर अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे एंड यू हैव टू गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाई योर सेल्फ सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज एंड देयर यूज i hope you like this video stay tuned for next video till then take care bye bye